देखो, जो टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं ध्यान से समझो। सपोज आपके पास एक सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड बहुत सारे रिंग से बना हुआ है ना, गोल 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 घुमा के सोलेनोइड बना। मैं इस सोलेनोइड में करंट पास करूंगा, करंट हमने पहले भी बहुत पास किया, पर प्रॉब्लम यह है कि जो हमने करंट पास किया वो डीसी करंट था, वो चेंजिंग इन नेचर नहीं था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं या तो इंक्रीजिंग करंट कर रहा हूँ या मैं डिक्रीजिंग करंट करूँगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप सोलेनोइड में करंट को बढ़ाते हो तो सोलेनोइड के रिंग्स क्या बोलते हैं या सोलेनोइड क्या कहता है कि क्यों तुम मेरा बी बढ़ा रहे हो, तो मैं अपना बी बढ़ने नहीं दूंगा, अपने अंदर एक ऐसा करंट पैदा करूंगा, इंड्यूस ये मैं पैदा करूंगा कि आपके इंक्रीजिंग करंट को या आपके इंक्रीजिंग बी को मैं अपोज करूंगा। और अगर आप उल्टा करते हो कि एक सोलेनोइड के अंदर करंट कम करते हो तो सोलेनोइड का एक्सिस का बी कम हो जाएगा, तो फिर सोलेनोइड क्या कहता है, अच्छा तुम मेरा बी कम कर रहे हो, अब मैं अपने अंदर ऐसा करंट और पैदा कर लूंगा, जो तुम मेरे को करंट दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, मैं अपना और करंट पैदा करूंगा ताकि मेरा बी कम ना हो, मैं अपने बी को बढ़ाऊंगा। तो ये तभी हो सकता है जब सोलेनोइड के अंदर करंट या तो बढ़े या कम हो। अगर कॉन्स्टेंट है तो बी कॉन्स्टेंट है, फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो जो पिछला चैप्टर हमने सोलेनोइड का किया था उसमें हमने करंट रखा ही कांस्टेंट था, इसलिए ये प्रॉब्लम कभी हमने सोची नहीं। पर अब इस चैप्टर में करंट चेंज हो रहा है, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो सोलेनोइड को इस चैप्टर में इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर, तो आज के बाद इंडक्टर बोलेंगे। तो इंडक्टर के अंदर अगर करंट बढ़ेगा या कम होगा तो इंडक्टर अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा आपको अपोज करने के लिए। तो अपने ही अंदर को बोलते हैं सेल्फ, और करंट पैदा करना, ईएमएफ पैदा करने का मतलब इंड्यूस, तो फिर टॉपिक का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्शन। तो समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक किसके ऊपर चलने वाला है, इंडक्टर या सोलेनोइड के ऊपर चलने वाला है। तो इसके अंदर मान लो अगर आपने एक बैटरी ली और स्विच को आपने क्लोज किया, जब आपने स्विच को क्लोज किया करंट इसमें इंक्रीज हुआ एकदम, तो मान लो 4 एम्पियर नहीं हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, अगर 4 एम्पियर मैक्सिमम करंट है तो ऑन करते करंट विल टेक टाइम। तो जैसे ही करंट बढ़ रहा है इंडक्टर अपने अंदर उल्टी ईएमएफ या उल्टा करंट जनरेट करेगा ताकि आपके करंट को कम कर सके। तो जो आपका करंट है वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम ही अचीव होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट अंदर ही अंदर उस करंट को क्या करता रहेगा, कैंसिल या कम करता रहेगा। आपको दिखेगा नहीं, आप ये सोचोगे मेरा करंट 3 एम्पियर होना चाहिए, 3 आएगा नहीं, 3 की जगह 2.5 एम्पियर दिखेगा, आपको 0.5 कहां गया, वो इंड्यूस करंट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और ऐसा तब तक होगा जब तक करंट मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं करता। एक बार मैक्सिमम वैल्यू आ गई फिर कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, क्यों, क्योंकि जब करंट कांस्टेंट हो गया तो सेल्फ ईएमएफ लगनी बंद हो जाएगी। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है यहां तक। तो इस केस में जो अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो इसमें जो करंट है उल्टा पैदा हो जाएगा, लेकिन उल्टा अगर आप इसको स्विच को ओपन कर दें कि करंट को चलो मैं जीरो कर देता हूं, बी जीरो करता हूं, बी कम करता हूं, जैसे बी कम होगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, कहेगा अच्छा मेरा बी कम कर रहे हो, कैसे कम कर रहे हो, अब मैं करंट को ऐसे पैदा करूंगा कि मैं अपना बी बढ़ा सकूं, तो आपके डायरेक्शन में करंट को ले जाएगा। तो करंट होना चाहिए था 2 एम्पियर, आपको दिखेगा 2.2 एम्पियर, आपको गया 0.2 कहां से आ गया, क्योंकि जो इंडक्टर है वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर देगा करंट को। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस में सेल्फ इंडक्शन इज ए फिनोमेना और प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये पैदा करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, किसी कॉइल के अंदर, व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, तो जब चेंजिंग करंट पास होगा तो ऐसा इसमें देखा जाएगा। ठीक हो गया यहां तक। अब दूसरा एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास एक इंडक्टर या सोलेनोइड है उसके अंदर आपने आई करंट पास किया, और आई कॉन्स्टेंट नहीं है, प्लीज, या तो आई इंक्रीजिंग है या आई डिक्रीजिंग है, तभी तो इस चैप्टर की शुरुआत होगी। अगर आई कॉन्स्टेंट रख दिया फिर ये चैप्टर क्लोज है, तो आई इसमें चेंज कर रहे हो आप। अगर आई बढ़ा रहे हो तो इस सोलेनोइड या इंडक्टर का फ्लक्स बढ़ेगा, और वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, आपने आई कितना बढ़ाया। आप आई ज़्यादा बढ़ाओगे फ्लक्स ज़्यादा होगा, आप आई कम करोगे फ्लक्स कम होगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन फ्लक्स हमें पता है और भी बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है, सोलेनोइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितना एरिया है, कितनी लेंथ है, और भी पैरामीटर हैं जिससे कि फ्लक्स को बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगेगा, एक कॉन्स्टेंट L। इस L के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, एरिया भी है, लेंथ भी है, सब कुछ है। वो कैसे ये L किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा अभी डिस्कस करूंगा।
तो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके क्या बना दिया, एल, और एल को क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एक कॉइल में अगर आप आई करंट पास करोगे उसका कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल है, तो उस कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू एल आई। याद रहेगा ये फॉर्मूला, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्वेश्चन में गिवन होते हैं इसकी क्या वैल्यू है, और उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होगा, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह क्या पुट करेंगे, एल आई, तो एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर में क्या फॉर्मूला जो है फॉलो करेंगे, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब अगर आई चेंज हो रहा है फिर तो ईएमएफ होगी, अगर आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो नहीं होगी। तो एल जो है वो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, हेनरी, तो एल के यूनिट्स क्या हैं, हेनरी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उस एग्जाम्पल पे आता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो जहाँ पर जैसे कई बल्ब ऐसे हैं हेलोजन लाइट बड़े बड़े लगते हैं, उन वो जो लाइट्स हैं वो बहुत महंगी लाइट्स हैं, 50-50 हज़ार लाख लाख रुपए की लाइट है। आप ये सोचो यार, पीछे से करंट की गारंटी तो है नहीं, करंट ज़्यादा आ गया आपका फ्यूज उड़ जाएगा, 50,000 रुपये कौन बल्ब पे खर्चेगा? तो उसको सेफ, कुछ तो सेफ करना पड़ेगा कि अगर पीछे से करंट आ जाए तो एटलीस्ट वो फ्यूज ना हो, क्योंकि फ्यूज तब होता है जब एकदम ड्रास्टिकली करंट बढ़ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, आगे इंडक्टर लगा देते हैं, सोलेनोइड लगा देते हैं, सोलेनोइड लगा के करंट पास करते हैं। आपने देखा भी होगा जब हैलोजन लाइट्स ऑन होती है तो एकदम रोशनी ऑन नहीं होती, तो एकदम धीरे 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 करके रोशनी खुलती है उसकी, और जब बंद होती है तो भी धीरे 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 ही बंद होती है, एकदम ना ऑन होती है ना एकदम ऑफ होती है। ऐसा क्यों? अंदर इंडक्टर लगा हुआ है। वो इंडक्टर की क्या खास बात है, मान लो पीछे से करंट एकदम तेज आ गया, इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, वो कहेगा अच्छा करंट तेज आ गया तो मैं देखता हूँ कैसे तेज आएगा, मैं अपने अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा कर लूंगा और तुम्हारे तेज करंट को कम कर दूंगा। तो देखो तेज करंट पास नहीं होने देगा, पहले करंट को अपोज करेगा, एंट्री भी बंद करेगा, उसका बस चले वो एंट्री बंद कर दे कि मैं तो करंट पास नहीं होने दूंगा, पर चलो पीछे से करंट तो ज़्यादा होता ही है, उसको इंक्रीज तो होना ही है, पर वो अपोजिशन में रहेगा। तो इंडक्टर में जब करंट बढ़ेगा आपके करंट को वो कैंसिल करता जाएगा, तो बल्ब में डायरेक्टली करंट ज़्यादा वाला नहीं जाएगा, बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। हाँ कुछ वो तो फॉर इंस्टेंट होता है ना एकदम, उसके बाद तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंडक्टर का रोल खत्म, सारा करंट फिर बल्ब में चला जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। पीछे से मान लो करंट एकदम गिर गया, अब बल्ब फिर फ्यूज हो सकता है। अब इंडक्टर क्या कहते हैं, अच्छा तुम करंट को बिल्कुल जीरो कर रहे हो, तुम जीरो कर रहे हो, अब मैं जीरो नहीं होने दूंगा, मैं अपना करंट खुद पैदा कर लूंगा, और खुद ही पैदा कर लेता है क्योंकि आपने तो करंट एकदम घेर दिया, आपने उसका फ्लक्स घेर दिया। तो इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर करंट पैदा कर लेगा और बल्ब को बुझने नहीं देगा, उसको कुछ देर के लिए ऑन ही करके रखेगा। ये ऑटोमेटिकली करंट है, इंड्यूस करंट है, फ्यूज नहीं होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एकदम शार्प करंट्स इंक्रीज या डिक्रीज जब होते हैं तो पहले इंडक्टर लगा दो, ना वो इंक्रीज होने देगा ज़्यादा, ना वो डिक्रीज होने देगा, आपका बल्ब सेफ रहेगा। तो इस पॉइंट रिलेट कर पा रहे हो, सेल्फ इंडक्शन का कहाँ फायदा है? क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के ऊपर ये सेम एग्जांपल है। वो कहता है ठीक है, एक रियोस्टैट है, बैटरी है, की है, बल्ब है और कॉइल है। मैंने क्या किया, की को प्रेस किया, केस नंबर वन, प्रेस करके इसमें करंट चला गया, ठीक है, कांस्टेंट करंट है, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडक्टर में भी करंट है, बल्ब में भी करंट है, सब ठीक था। मैंने एकदम इसको ऑफ कर दिया, ड्रास्टिकली करंट जीरो कर दिया। अब जैसे ही मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और करंट एकदम 4 एम्पियर से जीरो कर दिया, इंडक्टर कहता है यार ऐसे कैसे, इतना शार्प डिक्रीज, मेरा भी एकदम ही जीरो कर दिया, मैं होने नहीं दूंगा, तो मैं अपने अंदर अपना करंट पैदा कर लूंगा, क्योंकि तुमने मेरा भी बहुत जल्दी डिक्रीज किया, मैं उतना ही शार्प करंट पैदा करूंगा। तो इसमें जब करंट पैदा होगा वो जाएगा कहाँ, बल्ब में, और बल्ब बुझने की बजाय एकदम ब्राइट हो जाएगा, धीरे धीरे करके बंद तो होना ही है उसने, पर एकदम पहले ब्राइट होगा फिर धीरे धीरे करके बंद होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमने जब बैटरी हटा दी फिर भी बल्ब ऑन क्यों हुआ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इंडक्टर अपने अंदर एकदम फ्लक्स को जीरो होने नहीं देगा, धीरे धीरे जो जब एकदम जीरो करोगे, शार्प चेंज इन फ्लक्स होगा, तो उतना ही करंट वो पैदा करके बल्ब को ऑन कर देगा कुछ देर के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, ये सेम एग्जाम्पल है। तो केस नंबर टू यही है, जैसे ही करंट आपने जीरो किया, फ्लक्स एकदम वैनिश हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनोइड या इंडक्टर क्या है, वेरी लार्ज है, बहुत शार्प डिक्रीज हो गया, तो इंड्यूस करंट पैदा हो गया, बल्ब ऑन हो गया, ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है।